महेंद्र सिंह धोनी हम इंडियंस के लिए गर्व है, हम इंडियंस के लिए इंस्पिरेशन है। आप सभी को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में तो पता ही है, और आप सभी ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो देखी होगी, जिससे आपको उनके लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला है। और आप अगर ये सोच रहे कि आप मूवी देख के सब कुछ जान चुके हैं, तो आप बिल्कुल गलत है, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आज मैं आप सभी को माही के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मूवी में नहीं दिखाई गई। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए आज की वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। फिर एक बार हमारी इस वीडियो का भी नाम है क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। नंबर वन, आप सभी ने शुरुआती दिनों में माही को इतने लंबे बालों के साथ तो देखा ही होगा, पर आप सभी को क्या ये पता है कि उनके बाल लंबे क्यों थे? उन्हें अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन्हें जॉन अब्राहम पसंद है, और तब जॉन अब्राहम के भी बाल लंबे हुआ करते थे, और उनसे ही इंस्पायर होकर माही भी अपने बाल लंबे रखने लगे। नंबर टू, आप सभी में से 90% लोग ही WWE के डाई हार्ड फैन तो होंगे ही, और हमारे माही भी WWE के बहुत बड़े फैन हैं, और उनका फेवरेट रेसलर है हल्क होगन और द हिटमैन हर्ट। नंबर थ्री, सचिन ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने कैप्टनसी के लिए धोनी का नाम रिकमेंड किया था। नंबर फोर, 2011 के इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल के समय पाकिस्तानी फैन चाचा को टिकट्स अवेलेबल नहीं हो रही थी, तब माही ने खुद उनके लिए टिकट अवेलेबल कराई, क्योंकि माही कभी भी अपने फैंस के बीच भेदभाव नहीं करते, चाहे वो किसी भी देश के हो। लोग बोलते हैं मैं क्यों धोनी धोनी बोलता हूँ, धोनी तो अच्छा इंसान दुनिया में नहीं है, कल फाइनल था मैच, अभी तो मुझे दीदी दे दिया VIP दीदी, बहुत बड़ी बात है, बहुत अल्लाह तो अच्छा लगे, अल्लाह तो ट्रॉफी, बट हमें तो कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नंबर फाइव, माही को पूजा पाठ करना और धार्मिक स्थलों में भी जाना पसंद है, और उनका सबसे पसंदीदा धार्मिक स्थल है माँ देवरी का मंदिर, जो कि रांची में स्थित है। नंबर सिक्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धोनी बचपन में फुटबॉल खेला करते थे। धोनी को फुटबॉल क्रिकेट के अलावा भी बैडमिंटन, हॉकी और गोल्फ खेलने में मजा आता है। नंबर सेवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि धोनी को बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज उनके पास 80+ बाइक्स है, पर आपको क्या ये पता है कि उनकी सबसे पसंदीदार बाइक कौन सी है? उनकी सबसे पसंदीदार बाइक है यामाहा राजदूत, क्योंकि ये उनकी सबसे पहली बाइक है और उन्होंने आज भी इस बाइक को संभाल के रखा है। नंबर एट, माही को गाने सुनना भी पसंद है, और उनके फेवरेट सिंगर्स है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। नंबर नाइन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धोनी सचिन को अपना आइडल भी मानते हैं और उनके बड़े फैन भी है। हाँ, हम वो ले सकते हैं हनुमान जी का, नहीं उसके बगल वाला, ये कौन से भगवान जी है, कैसा मुकुट पहन रखा है, ये क्या करोगे, हाँ ये ले दो ना बस। धोनी की मुलाकात सचिन से पहली बार 2001 के दिलीप ट्रॉफी के दौरान हुई थी। धोनी ऑपोजिशन टीम में थे और सचिन बहुत अच्छा खेल रहे थे। धोनी उस मैच में खेल नहीं रहे थे, वह अपने टीम मेंबर्स को पानी पिला रहे थे, और तभी सचिन ने भी धोनी से पूछा कि मुझे भी पानी मिल सकता है, और धोनी ने बिना कुछ कहे सचिन को पानी दे दिया, और ऐसे ही उनकी मुलाकात हुई थी। नंबर 10, जब धोनी इंडिया के लिए 18 में खेलते थे, तब उस टीम में आकाश चोपड़ा भी थे। आकाश चोपड़ा धोनी से सीनियर थे, इसलिए धोनी को उन्हें एडवाइस दिया था कि वो अपने लंबे बालों को कटवा ले, नहीं तो उन्हें इंडिया टीम में चांस नहीं मिलने वाला, पर धोनी ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। फिर आगे क्या हुआ था ये तो आप सभी को ही पता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे को बजाओ टन से, कमेंट शेयर करो मन से, थैंक्स फॉर वॉचिंग।